बैतूल से बड़ी खबर है, जहां पर जनसुनवाई में युवती ने हंगामा मचाया। युवती ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया। भर्ती प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर युवती थी, पांचवें स्थान वाली महिला को नियुक्ति दे दी गई। युवती ने भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। युवती के हंगामे में अधिकारियों के हाथ पांव फूले, समझाइश देते नजर आए सभी अधिकारी। चार दिन में मामले का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया है। तो युवती को समझाइश देते हुए नजर आए तमाम अधिकारी और चार दिन में मामले का निराकरण देने का आश्वासन भी युवती को दिया गया। और सीधा यही सवाल है युवती का कि आखिर जो पांचवें नंबर पर जो युवती आई थी उसको नियुक्ति दे दी गई, लेकिन पहले नंबर पर आने के बावजूद अभी तक इस युवती को नियुक्ति क्यों नहीं मिली है। और सीधा भ्रष्टाचार का आरोप युवती की तरफ से लगाया गया है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि तीन चार दिन के अंदर अंदर मामले का निराकरण कर दिया जाएगा। युवती ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया था और युवती ने भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और युवती को समझाइश देते भी नजर आए सभी अधिकारी। जब युवती की तरफ से प्रदर्शन किया गया तो अधिकारियों का कहना है कि चार दिन के अंदर इस पूरे मामले का निराकरण कर दिया जाएगा। तो जन सुनवाई में युवती ने यह हंगामा मचाया है। बता दें आपको कि युवती ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया था और भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि पहले स्थान पर आने के बावजूद युवती की नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा जो चौथे या पांचवें नंबर पर युवतियां रही उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और जैसे ही युवती ने इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया, उसके बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर आश्वासन देते हुए चार दिन में निराकरण करने की बात कही है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया था युवती ने और नंबर आने के बाद भी, पहले स्थान पर आने के बाद भी अभी तक युवती को नियुक्ति नहीं मिली, जबकि अन्य जो युवतियां हैं उनको नियुक्ति मिल गई है, जिसकी वजह से युवती ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया और अधिकारियों ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद चार दिन में निराकरण का आश्वासन युवती को दिया है। तो बैतूल से ये बड़ी खबर है, जहां पर जनसुनवाई में युवती ने हंगामा किया। युवती ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया था और इस पूरी प्रक्रिया में युवती की तरफ से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। अमित परवार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, युवती की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पहले स्थान पर आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया में, उन्होंने एग्जाम दिया, पहले स्थान पर आई, इसके बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, बल्कि जो अन्य युवती रही है उनकी नियुक्ति हो गई है, पूरा मामला क्या है? जी, प्रति मंगलवार के दिन जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इस दौरान एक यहाँ पर आवेदिका पहुंची है जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आवेदन सौंपा। इस दौरान युवती यहाँ पर अचानक हंगामा करने लगी। जब यहाँ पर उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि जो उस आंगनवाड़ी में नियुक्ति हुई थी और उस नियुक्ति में जिसका चयन किया गया वह फर्जी तरीके से किया गया, जबकि उसका प्रथम स्थान आने के बावजूद भी उसे वहां पर चयन नहीं किया गया और जो पांचवें स्थान पर महिला का जो चयन किया गया था उसे नियुक्ति दे दी गई। वह इसकी शिकायत को लेकर पिछले कई महीनों से परेशान है और अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होने के कारण आज वह जनसुनवाई में पहुंची और इस दौरान उसने जमकर यहां पर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। हालांकि इस मामले को लेकर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जांच पड़ताल कर आगे की जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार जाहिर है कि भर्ती प्रक्रिया में है, क्योंकि अगर पहले स्थान पर कोई महिला जिसकी जो कि पहला स्थान लेकर आई है उसके बावजूद भी जो अन्य महिला है चौथे या पांचवें नंबर पर उसकी नियुक्ति हो जाती है, लेकिन इस महिला की नियुक्ति नहीं होती है, तो ऐसे में सीधा सीधा ये भ्रष्टाचार है भर्ती प्रक्रिया में अधिकारियों की तरफ से। और क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मिली भगत की वजह से इस तरह की जो यहाँ पर चयन प्रक्रिया हुई है वह सामने आई है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उन पर जांच कर कार्रवाई होना चाहिए। यह भी बात जो युवती है वह भी कर रही है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और वह इसीलिए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी के लिए।